हेलो हेलो फिर वेलकम बैक अगेन। और आज मैं जो दिखाने वाला हूँ डिस्कवर में ट्रैफिक कैसे गया मेरा देख सकते हैं। इससे पहले का कुछ डाटा आप देखें तो कंट्रीज सिर्फ इंडिया में ही आया है इसका, और डेट्स देखिए, डेट्स पहले का डेट्स में कोई भी इम्प्रेशन नहीं है। और ये वेबसाइट 9 मंथ ओल्ड है, मैं सिंस मंथ ओल्ड मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे एक इम्प्रेशन गया था 24 अक्टूबर को, उसका तो ये इम्प्रेशन अभी गया है। तो मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ कैसे और क्यों गया, इससे पहले आपको कुछ और डिटेल्स दिखाता हूँ। तो ये जब डिस्कवर में गया उसके बाद मैंने देखा इम्प्रेशन तो वही आ रहा था, इम्प्रेशन देखिए 80,000 वगैरह वही आ रहा था, लेकिन इसका देखिए क्लिक्स तुरंत ही बूस्ट अप हुआ। उसके बाद क्लिक्स जब ये बढ़ा तो फिर देखिए ये उस दिन से ही डिस्कवर में चला गया, तो उस दिन से ही देखिए ये डिस्कवर में गया। तो देखिए इसका रीज़न मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ये मिला है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास पहले से ही आर्टिकल था इस वेबसाइट में, और आर्टिकल होने की वजह से वो थोड़ा मोड़ा इम्प्रेशन वगैरह आ रहा था, क्लिक्स वगैरह आ रहा था, लेकिन एक न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ उस टॉपिक के रिलेटेड तो सर्चेज वॉल्यूम बढ़ गए थे, लेकिन मेरे में ज़्यादा क्लिक्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने उस न्यूज़ रिलेटेड मैंने जितने भी टॉपिक थे, क्वेरीज थे, सबको इंक्लूड किया, और उसके रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ वगैरह भी उठाए, उन्हें एम्बेड किया। तो उस टॉपिक से रिलेटेड तो मेरे पास पहले से ही आर्टिकल था, पहले से ही इंडेक्स था, और रैंक तो नहीं बोलूँगा लेकिन वो फर्स्ट पेज में नीचे 6th 7th में इस तरह रैंक कर रहा था। तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैंने जैसे कवर किया और फिर उसे अपडेट करके लेटेस्ट जो डेट होता है इंस्टेंटली, तो वहाँ पे मैंने अपडेट किया डेट के साथ, तो फिर देखा उस दिन से ही ये इम्प्रेशन फिर बढ़ गया और क्लिक्स भी बढ़ गया, फिर अगले दिन से ये डिस्कवर में चला गया। तो मुझे लगता है कि यह जो डिस्कवर में जाने का फॉर्मूला है वो यही है कि आप न्यूज़ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं होते हैं उनको भी कवर करके जितना जल्दी आप पब्लिश करेंगे, अपडेट करेंगे आर्टिकल को, तो गूगल उसको डिस्कवर में भेजता है। और दूसरा रीज़न ये भी बोलते हैं कि जो जितने भी सोशल ट्रैफिक्स होते हैं या फिर वेब पुश बटन होते हैं टेलीग्राम के होते हैं वहाँ से भेजते हैं, तो इस वेबसाइट का व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में भी है चैनल जहाँ से मैं वहाँ से मैं न्यू आर्टिकल को लिंक डालता हूँ, लेकिन वहाँ से कभी भी डिस्कवर में नहीं गया, और वहाँ भी 1000 के आसपास आपका लोग हैं, तो समझ सकते हैं ये कैसे गया डिस्कवर में। ये देखिए इस वेबसाइट का ये है हिस्ट्री, ये मई से ही स्टार्ट हुआ है वेबसाइट, और फिर मैंने इसे जून जुलाई से पर डे 1 आर्टिकल डालना, कंसिस्टेंसी में डालना स्टार्ट किया। उसके बाद से ये थोड़ा थोड़ा ग्रो होता गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और यहाँ देखिए ये इंप्रेशन पीछे छूट गया, क्लिक्स ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और ये वेबसाइट है फाइनेंशियल नीच पे बेस्ड, तो जुड़े रहिए, मेरा एक्सपीरियंस जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर और कुछ भी मुझे डिटेल मिलता है तो आपको इस चैनल शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।